सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के सांसद बनने के बाद कोसी कमिश्नरी में अपराध का ग्राफ दुगुना हो गया, ये रिकॉर्ड की बात है। क्या कारण है? मधेपुरा और कोसी के इतिहास में पहली बार माहौल को इतना आपराधिक कर दिए हैं कि एक हमारे जैसे विधायक पर, जिस पर कि आज तक न 107 का मुकदमा है और न मैं किया हूँ, कातिलाना हमला हुआ है उनके गुर्गों द्वारा, मुर्गों द्वारा। क्या हो रहा है? कल सौर ब्लॉक में खुद से एक नाजिर को पीटा गया है, पत्रकार बंधु को, चैनल के साथी को, प्रिंट मीडिया के साथी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी को धमकाया जा रहा है, प्रोफेसर को दलाल कहा जा रहा है, वकील भ्रष्ट है उनके शब्दों में, सब लोग भ्रष्ट हैं मगर एमपी साहब को छोड़ करके सायरन बजा के चलते हैं, प्रोटोकॉल नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे। तो कानून तोड़ने वाले लोग जिनके हाथ रक्त रंजित हैं, संज्ञेय अपराधों के दर्जनों मुकदमे हैं, वो यहाँ पर जो चलाना चाहते हैं अपराध का माहौल, मैं सूखी हड्डी से, दधीची के अस्थि से राक्षस का वध हुआ था, मेरे जैसा फकीर ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति के लोग को, ताकत को पूर्णिया छोड़ के भागा है तो कोसी से भगा के दम लूंगा। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कह दिया कि जब राक्षसी ताकत के लोग, राक्षसी विचार के लोग, शैतानी विचार के लोग जनप्रतिनिधि हमारी और कोसी क्षेत्र के लोगों की एक भ्रम के चलते हो गया प्रतिनिधि, तो ऐसे लोग जब शासन पर बैठे हैं तो क्या हुआ? उसका स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था, कितने पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों का दोहन हुआ, ये जांच का विषय है आप लोगों के लिए भी। डॉक्टरों के खिलाफ हमला बोला जा रहा था, आतंकित किया जा रहा था, कितने डॉक्टरों पर कार्रवाई हो गई, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई करवा पाए माननीय सांसद महोदय? तो नाजिर से लेकर के वो उनके अंदर की आत्मा की आवाज, अभी तक तो सेटिंग कर रहे थे विधायकों पर गोली चलवाने का, जिसका उदाहरण है मेरे ऊपर कातिलाना हमला, तो अब प्रस्फुटित हो रहा है कि अपने से हाथ से पीट पीट करके कल एक नाजिर को, बेचारा कमजोर वर्ग का वह नाजिर, और उसको पीट करके अपमानित किया सरेआम हजारों लोगों के बीच में, सैकड़ों लोगों के बीच में। यह बहुत ही चिंताजनक है। इस तरह से अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी आदमी इस ढंग का माहौल पैदा करेगा तो शासन नहीं चलेगा, समाज में की दुर्गति है। इसलिए इस घटना का मैं पुरजोर भर्सना करता हूं और आगे हर ढंग से इस सांसद के गलत कारनामों का प्रतिकार करने के लिए और इलाके में पूरे कोसी डिवीजन में घूम घूम करके एक और सभी पार्टियों के लोगों को उसके साथ मिल करके इसके खिलाफ हम लोग हमला बोलेंगे। ये पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, राजद को कमजोर कर रहे हैं, नस नाबूद करने में लगे हुए हैं। आदरणीय नेता लालू यादव बहुत ही आशा और उम्मीद से राजेश रंजन और पप्पू यादव को टिकट दिया और कोसी प्रमंडल के और मधेपुरा लोकसभा के सारे सामाजिक कार्यकर्ता उसके जीवो जान से मदद कर उसको चुनाव जिताने का काम किया और आशा उम्मीद रख के। और लेकिन आज हमारे सांसद महोदय की जो कारनामा है, जो कार्य कर रहे हैं, वो आप मीडिया भाई भी जानते होंगे कि डॉक्टर से लेकर के, प्रोफेसर से लेकर के वकील तक और मीडिया के लोग को भी कहीं न कहीं धमकाते रहते हैं। साथ ही आज हमारे लोकप्रिय विधायक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मीडिया भाइयों से कि प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव एमएलए के पहले और एमएलए के बाद अगर कोई भी बदलाव अगर आया हो तो मैं कहता हूं कि सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन से मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। साथियों, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। ठीक है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर से किसी साथी को कोई तकलीफ था उसको बदला चुनाव में लिया जाता,
या नहीं तो आदरणीय नेता लालू यादव के यहाँ खिलाफ करके उसको टिकट कटवा देता। लेकिन यह घिनौना घटना जो हुई है यह इसका हम घोर निंदा करते हैं और ऐसे चाटुकार ऐसे असामाजिक तत्वों को आज जो ये सांसद प्रतिनिधि कहाँ कहाँ बनाया। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया भाइयों, मैं भी एक साधारण ब्लॉक का प्रमुख था और हमारी प्रशासन और प्रशासन में आम को बुझता था कि नहीं प्रमुख कार्य कर रहा है। लेकिन एक पार्लियामेंट के मेंबर माननीय एमपी साहब जहां जाते हैं और भ्रष्टाचार की बात तो बहुत करते हैं, कलेक्टर का खत्मा, एसपी का खत्मा, ब्यूरोक्रेट का खत्मा और 24 घंटा में बिहार की नक्शा चेंज करने की बात करते हैं। लेकिन अगर आप प्रखंड में जाइए जहाँ वह समीक्षात्मक बैठक किया हो या कोई तरह का बैठक हो, अगर ध्यान होकर के जाइए तो उससे भी चौपट व्यवस्था बुझाता है। इसका क्या मतलब होता है? मैं पत्रकार भाइयों से सादर निवेदन करता हूं कि आप तो चौखंबा राज का चौथम स्तंभ है और आप क्या है, दर्पण है हम लोग का, और आपको दिखाना है कि कौन गलत है कौन सही है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरा नाम देवकिशोर यादव, किसान प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष, मधेपुरा,